खाने के लिए। जी ओके, तो अब हम क्या करें, आप इनको तरीके नहीं देंगी? जी अभी हम पूरा बनाएंगे, दिखाएं, हमें दिख नहीं रहा। तो उसके बाद ये बन जाएंगे पूरे, उसके बाद ये फ्राई होंगे तो हम इसको खाएंगे। ओके अच्छा अच्छा, और कुछ? मामा को और छोटिया को देख के अनाबिया को जो है व्लॉगिंग का शौक हो रहा है, तो वो हमारी मिमिक्री करती रहती हैं। अच्छा, मैंने ये शामी का आपका मिक्सर रेडी कर लिया था, मैं उसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें और ये सब ना ऊपर से नहीं डालती हूँ, कि बच्चों के ना मुंह में आता है तो उनको पसंद नहीं है ये सब ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सब लोगों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे, सबको अमन सुख चैन सलामती अता करे और हमें भी, आमीन। अच्छा, अभी कोई टाइम हो रहा है 5:30, तकरीबन 5:30-6 का टाइम हो रहा है और अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग शूट करना। मूड भी नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा कि शूट करने का दिल भी नहीं चाह रहा था, बोलने का भी दिल नहीं चाह रहा था, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा था दिल दिमाग। मुझे पता नहीं क्यों जो है ना, जब मैं अनमैरिड भी थी उस वक्त भी ना, तो मुझे एक जैसी जो ज़िंदगी एक ही डगर पे जब चल रही होती है ना बिल्कुल, कि वही सुबह उठो, वही खाना पकाओ, यही सारे हमारे रोज़ के काम, तो उससे बहुत उलझन होती है। मतलब उस वक्त मैं अम्मी से बोलती थी अपनी कि अम्मी हर दिन ना कुछ नया होना चाहिए, तो अम्मी बोलती थी हाँ बेटा तुम्हारा तो दिमाग ही कुछ अजीब है, हर दिन नया कैसे हो सकता है कि हर दिन कुछ नया करें हम। ज़ाहिर है ख़वातीन के तो मर्द लोग ज़ाहिर है, हम घर पर होते हैं तो बस अपना जो हमारे रोज़ाना की रूटीन होती है वही सब रहती है। आप लोगों की भी यकीनन ऐसे ही रहता होगा कि रोज़ का उठो, खाना पकाओ, बच्चों को भेजो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, तो हमारी भी वही है। अच्छा खैर, बस अब मैं ये अभी इस टाइम पे जो है वो मेरी बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। एक तरफ से मैं आलू की भुजिया बना रही थी क्योंकि कल का जो मैंने हड्डी गुड्डी का सालन बनाया था वो बच्चों को इतने मज़े का, मतलब अच्छा तो था लेकिन बच्चों को ना मेरे गोश्त जो है ना वो कबाब वगैरह की शक्ल है, बस बीफ जो है वो ऐसा उनको शोरबे वाला और ये वाली चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, तो उनको बस वो कबाब बना दीजिए आप, किसी भी किस्म का कोई कबाब हो वो बना वो खा लेंगे वो दाल चावल के साथ। और तो उनको नहीं खाना था, वो बहुत सारा बचा हुआ है, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, तो बस मैं अभी भी बच्चों के लिए बना रही थी, बच्चों के लिए और हमारे सुबह के नाश्ते के लिए काम आ जाएगा। आलू की भुजिया बना रही थी मैं मसाले वाली, और दूसरी तरफ जो है मैंने उसको कट करके रख लिया था। बस ये मैं प्याज लाल होने का थोड़ा सा इंतज़ार करती कि प्याज फ्राई हो जाए, तो मैं जल्दी से फिर इसमें जो मेरे मसाले डलते हैं वो मैं डालूं, खड़े मसाले थोड़े से। अच्छा, ये मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाने के लिए जो है ना वो किया था, मैं लेकर आई थी कि चाइनीज़ राइस बनाऊंगी, लेकिन चाइनीज़ राइस अदीना को नहीं पसंद कि वो मुँह में आती है ये सब्ज़ियाँ और फलां, बहुत नखरे हैं भाई मेरे बच्चों के माशाल्लाह, बस अम्मा अब्बा उठाते हैं नखरे तो हम भी उठा रहे हैं। अल्लाह ताला जहाँ आप जिस घर में जाएं वहाँ पे भी बहुत नाज और नखरे उठाए जाएं हर बच्ची के, अल्लाह पाक बच्चा बच्ची सबके लिए माशाल्लाह। अच्छा खैर, मैंने ये जो है उठाया बनाया था जब, तो मैंने शिमला मिर्च और गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था, क्योंकि गाजर ना मुझे लगता है बहुत देर से गलते हैं, तो बस वो खैर मैंने हल्का सा फ्राई करना था मुझे, तो मैंने मोटा मोटा कद्दूकश कर लिया। मैक्रोनी बना रही थी मैं बच्चों के लिए, बनानी है मुझे मैक्रोनी, तो इसलिए मैंने ये जो है ना कट करके रेडी कर लिया। कीमा वगैरह मैं फ्राई करके रेडी कर चुकी हूँ पहले ही, और कीमा जो है ना मैंने वो मशीन का डबल निकलवा लिया था, मतलब बिल्कुल बारीक हो गया था, क्योंकि वो ज़रा सी भी अगर चिकनाई आ जाती है ना बच्चे क्या आ गया मामा, क्या आ गया मामा, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बिल्कुल रूखा गोश्त जो कहते हैं ना वो चाहिए, और मुझे जो है वो थोड़ा सा वैसा पसंद है। खैर बच्चों की, हर बच्चा ऐसे ही होता है, मैं भी शायद ऐसे ही होंगी जब मैं छोटी होंगी, तो जो मेरे बच्चे मुझे भी दिखाते हैं वही सेम नखरे हमने भी दिखाए होंगे अपने अम्मा अब्बा को। अच्छा मुझे याद है कि मैंने अपने अब्बू को बहुत नखरे दिखाते, अब्बू मेरे ज़्यादा नखरे उठाते थे, अम्मी भी करती ही होंगी जाहिर है, लेकिन अब्बू का मुझे याद है कि मेरे अब्बू बहुत नखरे, अब्बू और मेरे दादा दादी, दादा दादी भी बहुत उठाती थी नखरे मेरे कि दादी ये कर दें, दादी ऐसे कर दें, बाल दादी ने बनाए, दादी हमारी बहुत अच्छे से तेल लगा के चुटिया करती थी हमारी, तो दादी ऐसे नहीं बाल बनाए, दादी ऐसे बनाए,
और तो अब यकीन करें आप, जब अनाबिया या अदीना ये काम करती ना, मैंने बाल बनाए हैं और मैंने तो फ़ौरन खोल दी, मामा ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बनाए, तो मुझे फ़ौरन अपना हुआ या वक्त याद आ जाता है। अच्छा ये मैकरोनी, मैकरोनी मेरी बातें तो कहाँ से कहाँ चली जाएंगी, मुझे पता है। ये मैकरोनी बॉयल कर ली है मैंने, बॉयल करके मैंने थोड़ा सा उसको स्ट्रेनर करने वो उसमें रख दिया है जाली में ना, ताकि वो स्ट्रेन हो जाए सारा पानी उसका। हाँ ये देखिए मैंने इसमें जो है ना, ये ग्रीन जो है ये मैंने हरी प्याज भी डाल दी है, थोड़ी सी पॉली प्याज भी डाली है कट करके, और ग्रीन प्याज भी डाल दी है क्योंकि जो मैं मैक्रोनी के लिए लाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बच्चे इतने पसंद नहीं करते हैं ग्रीन प्याज जो है, हालांकि बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। अच्छा ये हरी मिर्च काट के डाल दिया, ये मैंने टमाटर जो है ना मैंने जब सस्ते मिल रहे थे उसी वक्त मैंने बॉयल करके मैश करके रख लिए थे डीफ्रीज करके, वो अब सारा स्टॉक पूरा ख़त्म हो गया है। अब आज देखें हस्बैंड गए हैं मार्केट, क्योंकि बारिश की वजह से जाना आना ही नहीं हो रहा था, इतना पानी हर जगह खड़ा हुआ है। तो बस आप लोग भी यकीनन रखते होंगे टमाटर वगैरह ऐसे ही मैश करके, वो मैश करके कह रही हूँ बॉयल करके स्टॉक करके ये। और इधर दूसरी तरफ जो है ये मेरा जो मैंने कल बनाया था हड्डी गुड्डी का सालन वो है, ये गर्म हो रहा है, कल लोग अब खाना खाएंगे, अभी आए हैं वो, शाम में आते हैं ज़ाहिर है, तकरीबन 5:30-6 तो बज ही जाते हैं उनको। और दूसरी तरफ जो है मेरा कीमा और मसाला मैक्रोनी का सब रेडी हो गया, बस अब ये मेरी वो हो जाए मतलब भुना जाए ये मसाला, आलू डाल दूंगी मैं, आलू मैंने कट कर लिए हैं, बस ये तकरीबन हो ही गया डन, आलू डाल ही देती हूँ मैं इसमें, तो निकाल लो खा लो खाना अपना। ये आलू जो है मैं इसमें डाल दे रही हूँ, डी शेप में आलू कट करें, बहुत सारे लोग चिप्स के शेप में भी कट करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा सही लगती है, ये थोड़े से मोटे मोटे ही मैं कट करती हूँ। हाँ ये मैं ऐसे थोड़े से मोटे मोटे ही कट करती हूँ, क्योंकि गल जाते हैं मसाले ना अच्छे से, ये गल जाते हैं फिर, मतलब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाओ, बिल्कुल बारीक कर दो ना आलू काट दो तो फिर वो पूरी घुल जाती है अंदर ही, भुजिया वगैरह थोड़ी सी गली भी अच्छी लगती है मुझे तो, बाकी सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है ज़ाहिर है। बस ये हो जाए और ये चूल्हा मेरा खाली हो जाए, क्योंकि है तो माशाल्लाह वो ओवन, लेकिन मैं यूज़ जो है ना सिर्फ दो ही करती हूँ, दो स्टोव यूज़ करती हूँ, बाकी जो है ना खाली रहते हैं। अभी ये छोटी आया है कोचिंग से, कहाँ से आए हो, क्या पढ़ के आए हो, जी दिखा दिए केमिस्ट्री पढ़ के आया है, बस ये देखें मसाला भुना गया है ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये बस मैं आलू की भुजिया जो है ये कर रही हूँ मिक्स कर रही है, यस। और आप लोग सब कैसे हैं, खैर खैरियत तो सब लोगों की, ईदें तो जैसे बच्चों के स्कूल खुलने वाले, देखो पापा का फोन आ रहा है, कॉल उठाओ पापा का कॉल आ रही है। अच्छा ये देखिए मैंने इसमें जो है अपना जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो होता है जो मसाला जो है मेरा वो भी मैंने इसमें डाला है, क्योंकि थोड़ा सा देसी टच भी आ जाए हमारा, और हाँ उसकी टेस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि मेरा सीक्रेट मसाले जो है उसमें क्या क्या डाला, मैक्रोनी है इसमें वो जो हमारा, मैंने सब इसको रेडी कर दिया है, अब बस मैं जब बच्चों को दे रही होंगी ना या तो उस टाइम पर, अभी तो मैंने रेडी कर लिया, तकरीबन 6:30-7 का टाइम हो रहा है, अब रात का खाना जब हम खाएँगे तो उस टाइम पे मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूंगी, चीज़ मेरे पास चेडर चीज़ है वो मैं कदा वो करके डाल दूंगी, वो करके ग्रेट करके डाल दूंगी, और ये रेडी हो गया है बस, और कीमा वगैरह सब बिल्कुल इसमें डल चुका है अंदर, कीमा मैंने अलग से भून के रख लिया था मैंने, कीमा असल में मशीन का है बिल्कुल डबल बारीक पिसा हुआ, तो वो इतना वो नहीं हो रहा उसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन कीमा वगैरह इसमें सब डला हुआ है, ठीक है। अब वो जब हम खा रहे होंगे इंशाल्लाह उस वक्त आपको फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें ये हमारी जो है ना, ये एक चेंजिंग रूम तो नहीं बोल सकते हैं, ये जैसे ये कबर्ड रखने की जगह है ये ना, यहाँ पे तो ये अदीना अनाबिया है बैठ के खेलती रहती हैं, ये ऐसे है ये स्पेस, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये ऐसे ये कमरा है ये हमारा, ठीक है, ये इसके साथ ये अंदर होके ना थोड़ी सी ये जगह है, अब यहाँ पे हमने ये बच्चों की किताबें कॉपियाँ रख दी है, ट्रॉली रख दी है ये इन लोगों की, यहीं से इन लोगों की सारी किताबें कॉपियाँ रहती हैं, और ये अनाबिया ने देखें ये बनाया, पंखा यहाँ पर गर्मी भी होती है लेकिन लाइट वगैरह क्या हो रहा है, जाफर का काम है बस मुझे तंग करना, फोकस करना, नो फोकस की जरूरत नहीं है हमें। अब ये देखें अनाबिया ने ना ये इतना अच्छा सा अदीना ने बनाया ये इसके लिए चेयर पे, और ये टेबल ये रख दिया एक हार्डबोर्ड इसके ऊपर, हार्डबोर्ड तो नहीं है शेल्फ है हमारा लकड़ी का जो होता है ना कबर्ड के अंदर,
मेरे बच्चे बहुत जुगाड़ू है मेरी तरह। मेरा भाई मुझे बोलता है तुमसे बड़ा कोई जुगाड़ू नहीं होगा। अच्छा पता नहीं, और ये चीज़ें मुझे लगता है मेरे ननियाल से आई है। अच्छी बात है भाई, घर के अंदर जो वेस्टेज जो चीज़ें हैं ना उसी से हम कोई नई चीज़ बना लें तो ये क्या बुरा काम है, अच्छा काम है ना ये। खैर ये सब मैंने अपने मामू लोगों को बहुत देखा है ये वाली सब चीज़ें, तो आई हैं थोड़ी सी। जाहिर है ये सब जो जो चीज़ें जीन्स में होती हैं वो तो आती हैं, ननियाल ददियाल से ही बच्चे सीखते हैं, माँ बाप से, ननियाल से ददियाल से। खैर या नाबिया को कुछ एडिशन के सब्स वो दिए हैं, अदीना ने सम्स दिए हैं तो बैठ के वो कर रही हैं, और अभी तो वो थोड़ा सा डरेंगी, कुछ गलत भी करेंगी कुछ सही भी करेंगी। मैंने कहा इसकी बुक कोर्स तो आ गया सब माशाल्लाह से, को बच्चों का सब उस पर रह गया, कवर वगैरह चढ़ाना रह गया, कवर ये लोग खुद ही करते हैं, बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र बस से बचाए अल्लाह पाक। और सब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, हाँ बच्चे तो हमारे यहाँ तो अनाबिया बोल रही है मामा बारिश हो जाए और ताकि और स्कूल बंद हो जाए। अनाबिया को इस बार स्कूल मजीद बंद रहे, अदीना को है इंतज़ार कि स्कूल कब खुलेगा, जाफ़र को भी है कि स्कूल खुल जाए जल्दी से। बाकी मेरी तो रूटीन छुट्टियाँ हुई बेशक 2 मंथ्स की, तकरीबन 1.5 महीने की मुझे भी हाँ तकरीबन 1.5 महीने ज़्यादा की छुट्टियाँ थी, लेकिन आप यकीन करें जो मेरा तो रोज़ाना का जो टाइम होता है ना उठने का वही था, क्योंकि इनको ऑफिस भेजना होता है वो टाइम पे जाहिर है, और इनको भेजना होता था ऑफिस, और फिर फर्रुख साहब की यूनिवर्सिटी होती पूरे टाइम वो रही, उनकी तो कोई 2 महीने की छुट्टियां वगैरह कुछ नहीं होती, तो बस इन्हीं सब में मेरी 2 महीने निकल गए। खैर जाहिर है छुट्टियाँ इंसान इंजॉय करता ही है, घूमने फिरने भी गए अलहमदिल्ला, बारिश को भी इंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने अच्छे से कर दिया सब माशाल्लाह से। अभी मैक्रोनी तैयार हो गई है, इसमें मैनीज सब डाल लिए, अदीना हट के अपने बॉक्स से खानी है, अदीना ने अपने लंच बॉक्स से स्पून निकाल लिए उनसे खा रही हैं, हालांकि स्पून है घर में लेकिन उनको बस लंच बॉक्स याद आ रहा था अपना स्कूल का। ऐसा आ गया टेस्ट, बहुत मजे का, आपको कलर भी दिखा होगा कितना मजे का लग रहा है ये। बस ये हमने चीज डाल दी है ऊपर से, अभी मैंने खाना नहीं खाया, बच्चे खा रहे हैं, बच्चों का रेडी हो गया है खाना, तो हमारा भी रेडी है लेकिन अभी हम खा नहीं रहे क्योंकि ये अभी आए नहीं है, ये गए हुए हैं मार्केट, सब्जी वगैरह इनको लेनी थी ज़रा घर के लिए, जाहिर है आ नहीं रही थी बारिश की वजह से, मार्केट गए हुए हैं अभी तक आए नहीं हैं, आ जाएंगे तो फिर मैं खाना खाऊंगी, अभी बच्चे खा रहे हैं बस। बस हम सब मैकरोनी खा रहे हैं, हम ये अदीना की मैकरोनी खा चुकी है अपनी, इधर अनाबे भी खा रही है। 10:30 बजे मेरे हस्बैंड आए हैं सामान सब्जियां वगैरह, बहुत देर हो गई ज़ाहिर है, तो बस अब सब्जियां वगैरह मैं अंदर रखूंगी और खाना वाना सब निकालूंगी, खाना खाऊंगी, टेबल पे खाना लगेगा, बस खाना खाएंगे। उसके साथ ही आज का व्लॉग का अख्तिताम करती हूँ, कल इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ, कल तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को, और जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक और शेयर उनके लिए बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।